एंड सतीश कौशिक जी जो जो है इस फिल्म में ट्रूली एंड वेरी मच सो इंस्पिरेड विद अस यू नो एंड सो वी नो कैरी दिस दिस मूड फॉरवर्ड एज वेल. बट सर गुड टू सी यू बैक ऑन स्टेज आफ्टर फोर ईयर्स. वैसे मुझे लगता नहीं है सर चार साल हो गए बड़ी फिल्म से, मुलाकातें होती रहती हैं, बट दिस इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट फॉर ट्रेलर लॉन्च. आई वॉज टेलिंग समबडी ऑल्सो ये ऐसे एंटिसिपेशन होती है और अभी 20 मिनट के कैमियो में ही इतने हजारों करोड़ बन गए. अब जो 3 घंटे की पिक्चर आएगी, आर यू नाउ वेरी एक्साइटेड टू सी द द टॉयल्स ऑफ लेबर की 4 साल के बाद क्या करेगी पब्लिक? आई जस्ट होप इट पेज ऑफ, दैट्स इट. पीपल अप्रिशिएट द फिल्म, लाइक द फिल्म, दे गो एंड सी इट अगेन. हमारी टिपिकल हिंदुस्तानी फिल्म है जो, आई मीन लाइक बेसिकली अगर आप कोई एक्शन फिल्म पकड़ो उसके अंदर यू नो सूरज की पिक्चर डाल दो, हम आपके हों हम आपके हैं कौन टाइप का रोमांस, संजीव बंसाली का इस टाइप का एक आज की फिल्म है जिसमें ऑब्वियसली उनके पिक्चर में वायलेंस इतना नहीं होता, एक्शन इतना नहीं होता जितना कि हमारी पिक्चर में है. बट आई हैव टू से दैट यू आर लुकिंग इन द बेस्ट शेप दैट वी हैव सीन यू इन अ वेरी लॉन्ग टाइम सर. इट गेट्स बेटर बट मोर डिफिकल्ट. कॉम्प्लीमेंट. ऑफ कोर्स इट इज सर, बहुत मुश्किल होता है, हम सब जिम जाते लेकिन ऐसे कुछ नहीं बनता है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट गोज इनटू इट एंड वी हैव टू अप्रिशिएट दैट. एफर्ट था डेंगू और एक और कोविड का. अगर बॉडी बनाए तो कोविड और डेंगू होना बहुत जरूरी है क्लाइमैक्स के पहले. वेट लॉस का एकदम सिंपल फॉर्मूला. शारिक सर यू नो देयर इज एन एसोसिएशन विद सलमान सर एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ गुड स्टॉक दैट यू पिक स्टॉक मार्केट में. आपको ब्लू चिप स्टॉक है, पता ही ये चल जाएगा. क्या ऐसा एसोसिएशन है जी स्टूडियोज का? And how do you get into a project with, you know, when you have a Salman Khan, a megastar production? No, the association between Zee and Salman, sir, has been there for almost, you know, a few decades. As an actor, of course, a lot of his films are with us. As producer, we've had, you know, Radhe was there, Antim. You know, him coming back after 4 years is, this is obviously the hottest stock. It's been 4 years?4 years. And Pooja, you know, you look lovely in this gown also. It starts with you and, you know, sometimes there's this great pressure. Superstar there, doing so many big films there, all these hundreds of crores happening there. Do you have to, carry that good luck charm when you bring in here? But then you're there with Salman sir and, you know, both of you are there in the frame. Is this something that you also, like, look at? I was watching you while you were watching the trailer, this intently, every second you're watching. Are you still like that with this kind of film or was there a little bit of pressure also to make sure this one works 100%? कि ट्रेलर में मेरे कितने शॉट हैं? नो आई मीन आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. आई थिंक दैट एवरी फिल्म यू ऑलवेज फील लाइक इट्स योर फर्स्ट फिल्म, द एक्साइटमेंट इज देयर एंड ऑफ कोर्स लाइक आई बीन प्रेजेंटेड आल्सो रियली नाइसली एंड कुड बी योर लास्ट एज वेल. दैट्स ट्रू. इन द बिगिनिंग व्हेन सर इज इन दिस मूड नाउ यू कैन इमेजिन अगले आधे घंटे में क्या होगा. But hopefully many, many more to go. And God is there, God is kind. And hopefully you all will like it. I really loved watching the trailer, which is why I was looking at it with like childlike wonder. I hope you all like it too. Abhi tak to already kaafi like. She's phenomenal in the film. She's very Yay! Good in the film. Thank you. Outstanding. Lekin jaise Salman sir bhi bol rahe the aur hum log discuss kar chuke hain, Vijender Baji, aapke mukke to puri duniya ne dekhi hai. और वो तो बहुत आसान रहा है आपके लिए. यहाँ पे शॉट्स सामने बिफोर द कैमरा, थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी कि नहीं? नहीं भाई थे तो फिर कोई नर्वसनेस सब चली जाती है भाई. टाइम से आते थे, टाइम से काम खत्म होता था, टाइम से सब लोग घर जाए सो जाते थे. तो भाई थे तो टाइमिंग सब... के साथ ये मारते थे बहुत सारी. ऐसा लगता था कि ये रिंग में है. पर भाई ने बहुत सिखाया मेरे को कैसे मारना जाते नहीं, ऐसे नहीं मारना फिल्मों में. ये सिखाया है पावर कम लगा. सलमान खान यू नो विजेंद्र के सामने रिएक्ट नहीं कर सकते थे, इसका मतलब नहीं कि दर्द नहीं हो रहा था. उसको भी ताज्जुब हो रहा था कि दे रहा हूँ उसको बिना ग्लव्स के और ये लिए जा रहा है. बाद में इनको बोलना पड़ा कि भाई हर बॉडी का पार्ट मसल पालक बन चुका है, अब थोड़ा सा आराम से. उसके बावजूद इनको कंट्रोल नहीं था. फिर एंड में जाके सीख गया भाई मैं फिर धीरे-धीरे. हां मतलब कि लास्ट शॉट में.
इसका BTS देखने बहुत मजा आएगा, लेकिन पूरी BTS तो शायद शूट ही कर रहे थे. फराज सर, हाउ वाज दिस? आई मीन ये यू नो मैग्नम ओपस हो जाता है और बहुत प्रेशर आ जाता है, मुझे एक्शन भी वैसे दिखाना है, यू नो द फैंस एक्सपेक्टेशन आर सो हाई. मतलब जब वो चल भी रहे होते हैं, दैट साउंड शुड कम देयर, द बैकग्राउंड स्कोर शुड बी फैंटास्टिक, व्हिच इज ब्रिलियंट अवे. बट यू नो व्हेन यू आर डायरेक्टिंग समथिंग लाइक दिस एंड हैव टू एडिट इट लेटर, हाउ डू यू लीव आउट स्टफ? ये कैसे करते हो आप लोग? देखो मैं एक बात बोलता हूँ कि सुपरस्टार्स डायरेक्टर के लिए सुपरस्टार्स भाग्य से मिलते हैं, लेकिन सलमान खान सौभाग्य से मिलते हैं. I had to crack a line. अगर खुदा ना खास्ता ये नहीं चली तो बोला कि यही आदमी सुनता नहीं था. ओरिजिनल स्क्रिप्ट तो अभी भी मेरे पास पड़ी है. Well, the pressure is always बिल मेरे पे भटेगा. जो प्रेशर नहीं भी था सर, अब सारा आ गया आपके ऊपर. But you see it and you are 100% confident. No, the excitement is, I think, is the perfect word. We are very much excited to show to the audience. That's it. And I think the audience made an excellent film. I think this is kya bole, best hai. Best se bahut achhi hai. Matlab ke best ki best hai. Inshallah. High praise there. JB sir standing in the second row. Very very big name. You know, now we've come to, earlier it used to be aberration ki one arts south superstar would come into our films. Now the world has become one national, you know, cinema, which is fantastic. That's the way it should be. Sir, your experience just coming on this, the sensibilities. पहले होता था ना, south की sensibilities अलग रहती थी, north Indian cinema का थोड़ा अलग रहता था, ऐसा सोचा जाता था. Now it looks all the same and it's so much, you know, larger than life, everything. So your experience of working with Salman sir as well as this big production. Well, I don't think there's any difference. I think it's one world, one global thing called cinema. That's all I believe in. And Salman bhai, everybody knows he's hot, but I've seen him the hottest, warmest, and the coolest person. And the production was awesome. Everybody was awesome. No, he's been amazing. And I'm missing Venki here now. I've known Venki for the last 30 years. He's one of my closest friends from Hyderabad. So I miss him. Next time. जब प्रीमियर होगा तब उसे बुलाएंगे. पायल, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज? पायल देव आल्सो, लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. ये जो यंटमा यंटमा आप सुन रहे हैं, पायल डू जॉइन अस ऑन स्टेज एंड बी वेरी केयरफुल. वन कैजुअलिटी ऑलमोस्ट हैपेंड विद मी देयर, सो जस्ट बी लिटिल केयरफुल. यस, थैंक यू. एंड ऑन स्टेज राइट नेक्स्ट टू जेबी सर, द गर्ल हु जस्ट कैप्चर्ड द माइंड एंड हार्ट्स ऑफ सो मेनी पीपल, शहनाज. अब बस बड़ा पर्दा आ गया है, यू नो. हम मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे छोटा पर्दा हो, देयर सो मच ऑफ यू एवरीवेयर. द ऑडियंस हैज लव्ड यू और रियल प्यार आपने जो गेन किया है. अब नर्वसनेस फाइनली है कि नहीं, कि बड़े पर्दे पर कैसे जज करेंगे मुझे कि नहीं? मैं तो कह रहा हूं मुझे पता था आवाज आएगी. मूव ऑन कर जाओ. मैं समझी नहीं. मेरे सवाल का तो जवाब दे दो. मूव ऑन कर जाओ. कर गई तो नहीं, मैं नर्वस नहीं होती, बट सलमान सर के सामने होता ही है, आपको पता ही है, हो जाता है. बट वैसे मैं नर्वस फील कभी नहीं करती लाइफ. अपने आप को देख के कैसा लगा? अपने आप को देख के तो मैं बहुत अच्छा समझती हूँ अपने आप को. आपको पता ही है ये तो. I love myself. पहला यही होता है कि अपने आप को प्यार करो, है ना. बाद में सलमान सर एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल बहुत अच्छा लगता है. मतलब इतने बड़े बड़े सारे जितने भी जिनके बीच में खड़ी हूँ, सबने अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट की है, तो मुझे यही बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैं सलमान सर के पीछे खड़ी हूँ. और वो तो आपने प्लेसमेंट अच्छी कर दी. मैंने तो सेकंड रो बोला था, आपने अच्छी प्लेसमेंट कर दी. वेल डन, दे इसके 100 मार्क्स है आपको. वो पता नहीं ऊपर से भगवान ही करा देता है, मतलब ठीक है. लेकिन हाँ, मैं सलमान सर का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बट मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ. आज मैं फर्स्ट म्यूजिक वीडियो की थी लाइफ में, तो मैं जब गई थी शूट पे तो मैं रिजेक्ट हो गई थी. मुझे बोला ये कौन से बच्ची लेकर आ गए हो, इसके साथ शूट नहीं करना, भेजो वापस. तो मैं बहुत रोई थी घर आके कि मैं रिजेक्ट हो गई. तो फिर मेरी मॉम ने कहा तू रो क्यों रही है, तू देखना एक दिन तू सलमान खान की फिल्म में काम करेगी. तो वो बहुत देर पहले की बात,
मुझे आज हो रहा है कि सर ने मुझे मौका दिया है कि माँ की बात सच होती है. बहुत बड़ी बात है, तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन. थैंक यू. इनकी माँ की बात सच हुई, जैसे कि माँ की बात सच हो गई, इनकी माँ की बात सच हो गई, इनकी माँ की बात सच है. इनकी माँ को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन इनकी माँ को ऐसा था कि मैं ही काम कर लूंगी इसके साथ. कंसीडरिंग माँ की बात सच, इनकी माँ की बात सच हो गई. जो आपके साथ बहुत काम कर चुकी है और सुपरहिट भी रह चुकी है भूमिका, when you see the aura for so many years, and you know, कई बार stardom starting में बहुत लोग आते हैं, बरकरार रखना and keep it going, constantly working on yourself, hits and misses, उसके बावजूद to stay so durable in the industry, it's a big deal. How do you feel about this connection? How is Salman sir 10 years back and now when you chat with him and you know, जैसे आपकी interactions रहती हैं? I love his reactions. He's got the sweetest and most adorable reactions to everything. So when I worked with him like a really, really long time ago, it seems like another lifetime. We both were young. And I think, you know, life happens. We all grow up. We all change. And I'm gonna tell this ki jab main tere naam ki audio release pe stage pe aayi thi na, and I had said I'm very happy to work with Salman bhai, and there was like shock. So he said abhi ye kya ho raha hai. So aaj main aapko Salman bhai nahi bolungi, but aisa kya badal gaya? only for the press and media. You but he did how I did in the trailer, the bhai. Bye. So it's been absolutely wonderful working with him again, and like I said, we all grow, we all mature. I see a lot of change in him. I see probably a change in myself as a human as well, and I'm really, really glad that I got this opportunity to work with him again. Thank you so much. Thank you. So we've had a great relationship. Shared a great relationship in. Tere Naam. We'd have so much of fun. I mean, the film was a serious kind of film, but it was so much of fun shooting it. Just to come on the set, hi, how's it going? You good? Yes. Lunch? No, sir. Pack up, bye, take care. Okay. Next morning again, hello, sir. Hello, ma'am. Hello. So these were the only words we have exchanged throughout that film, and after that also, even here, it was the same. It's been consistent. Nothing has changed. I think she got scared of the Tere Naam ka character. Hi, zada bol dungi, to phir ye mere piche pad jayega baal leke. Film ho tak theek tha. Palak, congratulations. You know, it's almost like I have actually worked with your mother also, so it's such a proud moment to see you standing here right here. Thank you so much. Kaisa lagta hai ab, you know, logon ka dream hota hai tick mark hota life mein, box jo tick ho gaya hai. Salman Khan sir ke sath picture, dance bhi chal raha hai, left right pe sab dekh rahe hain, ghar pe sab bol rahe honge wori Palak. Aisa lag raha tha aapko, matlab what, explain the surreal experience. I know it's probably surreal for everybody, but your experience of just being part of this. It's bucket list for sure, but I think it's the whole bucket. You know, I mean, I was sitting there, and firstly, I didn't know what to feel more surreal about, the fact that Salman sir was towards my right, or the fact that he's on screen and I came there. It was too crazy. And you know, my younger brother, he's too tiny. He's 6. He doesn't understand stardom or sir's magnitude of it. He knows him as Tiger because he loves action films. And when Yentamma came out, he saw the first shot of it, and he was like, "Tum Tiger ke saath kya kar rahi ho?" And you know, I just felt so happy. So yeah, I think that explains everything. I think congratulations. So I worked with a mother in Big Boss, and she came to drop her mother to go into that Big Boss house, but there was Dolly also. Craziest. Her mother season. Had a great time in the house. So I remember she was 8 years old. And that's the first time I met her. And then after that,
I called her for another film that did not work out. And then she worked on Antim with us. She learned everything behind the scenes. She worked as an assistant director. And then from there, she came into this one, where she early was reluctant to do it. But then she got it. पहले से प्रिपेयर करना चाहिए था, ये सारी चीजें बाहर निकलने वाली है. सो शुड बी प्रिपेयर रेडी विद दैट. विनाली, माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद यू एज वेल, सो वेलकम टू द स्टेज, वेलकम टू द प्रेस एज वेल. यू नो, जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ मैग्नम ओपस, आजकल तो जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं, यू नो, एंड एक बात तो क्लियर हो गई है, द ऑडियंसेस विल कम फॉर द बिग वंस, देन दे विल डिसाइड ऑन द थर्ड डे डिड दे लाइक इट और डिड दे नॉट. बट यू विल सी दैट. आई रिमेंबर समबडी ऑलवेज टेलिंग मी कि बहुत बड़ी फिल्म है ना, ऑलरेडी स्टार्टिंग में इतने सारे लोग तुम्हें देख लेते हैं, बहुत फायदा हो जाता है. कई बार बहुत अच्छी फिल्में ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती है. सो दिस ऑलरेडी इज अ ग्रेट कॉलिंग कार्ड. सो जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ दिस, जस्ट टॉक अबाउट दैट टू अस. वहां से यहां तक की जर्नी वाज लॉन्ग एंड वर्थ इट. 60 साल की हो ना. आई मीन इट, बट यस, इट वाज वर्थ इट. कितने साल की हो? 60? लॉन्ग मतलब सो वो पब्लिकली नहीं बता सकती मैं. सो बट बहुत लाइक मतलब के परसों से लेके आज तक की जर्नी संघर्ष हुआ. यस, इतना तो समझ गए. अब मैं चुप. बोलो बोलो बोलो. नहीं, अब मैं भूल गई मुझे क्या बोलना था. क्या कैसी फीलिंग लगी? जस्ट यू कैन जस्ट ऑफ कोर्स गिव योर वर्जिन इमोशन. सो आई कुड हैव नॉट गॉटन एनीथिंग बेटर देन वर्किंग विद सलमान सर. It is like life happened. It just blessed me with the best. And I'm glad, I'm happy, I'm so grateful. Thank you, Salman sir, for this thank opportunity. Thank you, my dear. Thank you very much for being a part of this film. And you guys are amazing in the movie. I'll show it to you very soon. Trailer ke hisab se mat jana ke ek do shot hai picture mein ho tum sab ke saath. एक दिन मैंने शहनाज को रफ ऑफलाइन एडिट दिखा दी, तो शहनाज देख रही है उसको, मैं समझ में आ गया कि सिर्फ अपना शॉट देख रही हो. उतना स्टार्टिंग में एक्चुअली होता है इफ यू सी अ बिग फिल्म. आई गेस उतनी एक्साइटमेंट है और वो बिल्कुल जायज है. अब नाउ वी टॉक टू द थ्री बॉयज. ओह या, प्लीज प्लीज. सो दिस इज इन रिगार्ड टू व्हाट सलमान सर सेड. And the only person who's described me as I describe myself at home with my family and friends, I still feel like a schoolgirl. Main subah jaati hu. Good morning, sir. Good morning, sir. I hope you had your lunch. And thank you so much. Good night. Ye conversation puri industry mein, na sirf yahan par, but entire certain industry knows ki main aisi hu. Not that I'm proud of it, but I still feel like that schoolgirl who goes to school, ghar aake khaake so jaati hai. And he is absolutely, you know, described me perfectly well. But you're also that schoolgirl जिसको exam में अच्छे marks में तो मिल गए, super hit picture मिल गई, perfect है. Right, moving to the boys, जैसी बाजी, so good to see you. आप इतने कमाल के singer हैं, आपकी इतनी अच्छी fan following भी है. Thank you बाजी. They'll all be super happy कि आप सलमान भाई के साथ picture में आ रहे हो. जी. ये कभी ना कभी तो होना ही था. I'm happy कि ये इसमें हो गया है. तो बताइए सर, ये कैसा रीजन? But मैंने नहीं सोचा था ये कभी ना कभी होगा, क्योंकि मेरे लिए एक मतलब मैं ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ पे अगर फिल्म देखने भी जाना होता तो एक हफ्ता पहले से प्लानिंग शुरू होती थी कि जाना है. तो मतलब आज अगर भाई के साथ काम करने का मौका मिला, स्पेशली काम करने का नहीं, जैसे भाई ने हमें रखा है, तो मतलब वो चीज़ वो ज़िंदगी भर याद रहेगी. मतलब हम अपने बच्चों को बताएँगे, होगा ना कि बाद में कि हमने सलमान भाई के साथ काम किया था. तो मतलब हम छोटे भाइयों की तरह हमें रखा है फिल्म में, तो जो है वो दिखेगा स्क्रीन पर. बट वैसे नॉर्मली मैं बड़ा लकी फील करता हूँ कि आज मैं पर्सनली भाई को जानता हूँ और हमारी बात होती है. यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए. थैंक यू जसी भाजी. थैंक यू. सिद्धार्थ, यू हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉलोइंग्स दैट आई नो, यू नो, विद द चिल्ड्रन, विद द टेलीविजन क्राउड एवरीवेयर. सो कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑन दैट. यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू. देयर इज चेंज, इज वुमेन एज वेल नाउ. अच्छा, सॉरी. All right, the graduation has happened. He's got more of a fan following in women than 1, 2, 3, 4, 5, 6, everyone.
तो चलो ये बात तो आपकी ग्रेजुएशन होगी, इट्स फैंटास्टिक, बट गुड टू सी यू ऑन द बिग स्क्रीन ऑल्सो. सो लेट्स टॉक अबाउट द वुमेन इन योर लाइफ नाउ. आजकल कैसा चल रहा है आपके लाइफ में? डीएम ज्यादा बढ़ गए क्या इंस्टाग्राम पे? ये तो पूरा कैमरा पर आ रहा है, सलमान सर ने बोल दिया प्लीज शट योर इयर्स फॉर 2 सेकंड्स. ये पहला बंदा है जो मालदीव्स मम्मी को लेकर जाता है. नहीं मम्मी को तो और नहीं, हम लोग तो वैसे जाते हैं गर्लफ्रेंड के साथ या फिर मालदीव्स. आप कब गए थे अभी मालदीव्स? अच्छा डोंट डॉज द क्वेश्चन. किसके बोलो, आपको ये आंसर करना है कि नहीं? नहीं वो वाला क्वेश्चन मत दो, वो तो ऐसे मैं टाइम पास कर रहा था, बट जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ दिस बिकॉज़ यू आर सो कॉन्फिडेंट आल्सो ऑन स्क्रीन एवरी टाइम आई सी यू आल्सो. यार इट फील्स लाइक ये एक अगला पड़ाव था जो आपने पार कर दिया, ऐसा है क्या? सर वेरी ऑनेस्टली लाइक आई वॉज मैनिफेस्टिंग इट कि कभी मुझे यू नो मौका मिले सर के साथ काम करने का, और सर मुझे कभी अपने फिल्म के लिए मुझे बुलाएं. ऐसे यू नो आप एक सोचते हो, ड्रीम करते हो, सपना देखते हो, और मेरा वो सपना सच हुआ है, तो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती. मैं, मेरी मम्मी, मेरे बड़े भाई, हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं. और जब मुझे पता चला था कि इस फिल्म में मैं हूँ, मैं उस दिन पूरा रो रहा था, खुशी के आंसू निकल रहे थे मेरी आंखों से. सो मैं दिल से सलमान भैया को थैंक्स कहना चाहूँगा फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू मी. एंड आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज़ प्लीज़, किसी का भाई किसी की जान, आप सब प्लीज़ देखिएगा. एंड मेरे जितने भी को एक्टर्स हैं, दे आर सुप्रीमली टैलेंटेड, उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड बहुत कुछ सीखा मैं. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू. सो आई हैव नोन सिद्धार्थ सिंस द लॉन्गेस्ट टाइम नाउ. सो आई वाज शूटिंग फॉर आई थिंक प्रेम रतन धन पायो, एंड देन आफ्टर दैट 4-5 फिल्म्स. आई वाज स्टेइंग इन एनडी स्टूडियो, ही वाज बेस्ड देयर. मैं तो फिर भी एक महीने में 2-3 बार वापस आ जाता था फॉर 2-3 डेज. ये तो वहीं पे थे. सो ऑल हिज लंचेस, डिनर्स, ऑल हिज राइटिंग, वर्कआउट, एवरीथिंग यूज्ड टू बी विद मी एट दैट. आई विल टेल वन स्टोरी फॉर इयर्स, आई थिंक 1.5-2 साल सो ज्यादा, वेरी लॉन्ग टाइम. आई विल टेल यू सर, आई एम ऑलरेडी वेरी जेलस. आपने वर्कआउट किया सलमान सर के साथ? हां. अरे आई विल टेल यू द स्टोरी. मैं इसके साथ नहीं करना वर्कआउट. वर्कआउट के साथ ये बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप और वो पता नहीं ये सब करता है. वो देख के ना सडनली आपको ऐसा लगता है कि ये बचपने में मैंने क्यों नहीं किया, मैं सिर्फ ऐसे ही क्यों खड़ा था, ये सब कर लेना चाहिए था. नहीं भैया, आपका स्वैगी काफ़ी है. वेल आई टेल यू वन स्टोरी. जब मैं सर से फर्स्ट टाइम मिला था, और फिर थोड़ा हमने यू नो टाइम स्पेंड किया था साथ में, जब साथ में यू नो लंच, डिनर एंड वर्कआउट्स करते थे, तो सर ने मेरे से बोला कि हम लोग कभी साथ में काम करेंगे. इट वॉज वेरी लॉन्ग बैक, मतलब 8 साल हो गए इस बात को. तो बीच में तो मैंने भी होप छोड़ दी थी कि यार यू नो सलमान सर के आज बहुत लोग होते हैं उनके यू नो साइड में, आई एम श्योर कि मुझे भूल गए होंगे. बट टुडे आई एम वर्किंग विथ हिम, ये यू नो प्रूफ करता है कि ही यू नो ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड, ही हैज़ अ गोल्डन हार्ट. सो थैंक यू सो मच. इसमें तो कोई दो राय नहीं है. इट इज़ नॉट दैट, इट वॉज दीज गाइज suited the characters of the film, especially aur ye isko to maine stage par dekha tha, to iske sath to like yeah 100% kaam karna hi hoga, kyunki ye sab hamare level ko badhate hain. But a funny cheez, ha ye jo khud ka karta hai na, to bahut acha karta hai. Jab isko koi steps de karne ke liye, so trust me, Jassi Paji does better than him. Oh, that's true. That's true. ये तो सही है. तो मैं तो शयंटा में गाने में तो शौक है इसको, ये लूंगी, ये नहीं आ रहा था, तो ऐसे ये ऐसा राघव सुन बेटा ऐसा है ये. और पहली बार किसी ने स्टेप सिखाया नहीं, स्टेप ट्रांसफर किया. पूरा ट्रांसफरेशन था. लेकिन ये मैं दिखाने वाला हूँ, बाय द वे सर ने जो बोला ना, मेरे पास सर 3 लुंगी है, मैं थोड़ा करवा दूंगा. आप पहनो लुंगी, अब मैं लुंगी से निकल गया हूँ. अच्छा नहीं, आप नहीं सर, इन तीनों को मैं पहनाऊंगा. अब सिर्फ पुंगी बजानी है. नहीं, इन तीनों को सिर्फ पहनाऊंगा. 21st से. नहीं नहीं, कोई कोई इनके लिए लुंगी नहीं, आप लोगों के लिए होगी. लेकिन इससे पहले ब्रदर, वी आर ऑल बिग फैंस ऑफ यू यार. मैं भी आपको जींस के ऊपर लुंगी ना, शॉर्ट्स के अंदर छोटी शॉर्ट्स, ब्लू वाली, डेनिम वाली, सबके लेग्स थाई सब मार मार के जाते थे. तो वो वाइब अच्छा था बहुत. लेकिन यहाँ पर जीन्स के ऊपर, अब पैंट्स के ऊपर क्या लुंगी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी. दैट लुक्स गुड. अब जब अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देना, पहले से शॉर्ट्स में आ जाए. शॉर्ट्स नहीं आएंगे. बट राघव ब्रदर, यू नो तुम ऑलवेज बड़ी इजी रहे हो यार, फ्रॉम द फर्स्ट डे, इवन फ्रॉम व्हेन यू वर ऑडिशनिंग. आई रिमेंबर वही वायरल चले गया था, उसके बाद द वे यू बीन फॉर ऑल दीज इयर्स, इतनी अच्छी प्योर हार्टेड फैन फॉलोइंग तुम्हारी जो बनी है,
हाउ डज इट फील नाउ दैट यू आर पार्ट ऑफ अ लार्जर सेटअप? नहीं तो पहले होता था तुम्हारे कंधे पर बहुत सारा होता था. हाँ. अब बाकी सबके कंधे वैसे माउंट एटलस है. हाँ. तो मतलब कि कैसा लग रहा है आपकी जस्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस? बहुत, मैं सच्ची बताऊँ अपनी जो मेरा जो भाव है वो व्यर्थ करूँ अगर ऑनेस्टली, मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है. और मुझे हर यहाँ पे, हाँ यहाँ पर भी मुझे हर परफॉर्मेंस से पहले होती है, हर प्रोजेक्ट से पहले होती है, मैं स्टेज पे डांस करने चढ़ता हूँ उससे पहले होती है. तो आई एम रियली नर्वस. अरे क्या क्या करता है ये बता, ये क्या क्या करता है शॉट के पहले? क्या करता हूँ? क्या करता क्या शॉट के पहले तू? मैं ऑन द स्पॉट जॉग. या या बिफोर द शॉट लाइक नहीं सर. या लेट्स डू इट. तो एनर्जी थोड़ा थोड़ा मैं, हाँ एनर्जी के लिए. आई रिमेम्बर मैं जो रिहर्सल चालू था घींटम और समथिंग एंड मैंने कहा तो राघव को तो रिहर्सल्स की जरूरत नहीं है, आई एम श्योर वो आएगा सेट पे, लर्न पिक इट अप इन 3 seconds. एंड आई रिमेम्बर ये इंटम में आई वेंट ऑन सेट और राघव इतना पसीना पसीना आ रहा है, क्या हो गया ये साउथ वाली स्टेप्स, ये कैसे तुम लोग, क्या हो रहा है? मैं खुद के स्टेप्स बहुत इजी कर लेता. अरे पसीना इसलिए था क्योंकि आपको वैनिटी में सिखाते थे, हम बाहर सीखना पड़ता था. एक मिनट प्लीज, मेकिंग की वीडियो तो देख लो. सर सिक्स, आज का सिक्स बाउंसर पर हुक तुमने मारा है, वेल डन. ये तो बाउंसर तुम्हारा गया. चलो अब इधर से मार के ऐसे जो ऊपर से गया. ओके बट ऑफ कोर्स एक चीज बोलना चाहूंगा, आपको दिखाना चाहेंगे इतने आपकी दिखाना. मैं सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि यार ऊपर वाले का फजलो करम है कि मुझे मौका मिला है भाई के साथ, भाई के अंडर काम करने का. मेरे आने वाले जितने भी अंश हैं, मेरा जितने भी बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों होंगे, ये एक हिस्ट्री में मेरा नाम आ चुका है. तो आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक यू सर, तहे दिल से थैंक यू, थैंक यू. और फार्म पे भी आप जब बुलाते हैं हम बच्चों की तरह वहाँ घूमते हैं, उसके लिए भी थैंक यू सर. मतलब सर ने ऐसे रखा है जैसे मतलब मेरे को आप बाकी मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ तो मुझे पोस्ट पिक्चर के दौरान मैंने एक केमिस्ट्री देखी है सर. थोड़ा, वो थोड़ा ज्यादा बोलेंगे ना सर का मुंह खुल जाएगा. सीन की डिमांड केमिस्ट्री देखी है लेकिन कोई उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा. क्यों सिद्धार्थ है ना? अरे बोलो भाई. एक केमिस्ट्री देखी है, आपने भी देखी है जी. मैंने भी देखी है लेकिन वो दूर दूर से वाइब होता है, कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ाता है और जिसने ट्राई किया तो एक वो कदम पीछे हट जाते हैं. ये भला क्यों? भला सर वो काम भला क्या काम हुआ जिस काम का चर्चा नहीं, नहीं वो काम भला क्या काम हुआ जिस काम का बोझा सर पर हो, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पर हो. लेकिन मैं सर, मैं इस इश्क को अभी यही काट देता हूं नहीं तो ये कल बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाएगी. आई थिंक बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है. एंड पलक आई थिंक बहुत अच्छी बात है. एंड शहनाज मैं तो चाहता हूं कि तुम मूव ऑन कर जाओ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है और ये सब चीजें मैं नोटिस करता हूं कि जब अपने बारे में नोटिस करता हूं तो आप लोगों के बारे में भी नोटिस कर सकता हूं. और जो अपनी मेरे को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए. पूरा बुफे सर्विस हो गया सर. फ्रेंड्स का भी दिख जाता है कि ये गई. मैं जल्दी से सिंगर्स पर डाइवर्ट कर देता हूं. हमारे जो बड़े दिग्गज यहां बैठे हैं, सुखबीर भाजी, सो गुड टू सी यू फर्स्ट ऑफ ऑल. ह्यूज फैंस ऑलमोस्ट एवरीबडी ओवर हियर फॉर एवर, हर एक शादी में आप ही के गाने पर नाचते हैं. हाउ डज इट फील सर टू बी नाउ सलमान भाई के साथ? बिल्ली बिल्ली इज रॉकिंग ऑल द एयरवेज एज वेल. सो हाउ डू यू फील जस्ट बी पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो? दुबई में रहते हैं आप, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. यू गो बैक एंड फोर्थ, इट्स ग्रेट जस्ट हियर अबाउट योर ट्रैक एज वेल सर. इट्स बिन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. हम अबू धाबी में मिले थे और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि गाने की जरूरत है, तो मैंने एक ही गाना भेजा था, उनको पसंद आ गया था, तो थोड़ी चेंजेस उन्होंने किए थे. बट आई वाज सरप्राइज्ड कि ये इतना इंटरेस्ट लेते हैं पर्सनली. इनकी मैंने समझा था कि इनकी टीम है वो मेरे को फ़ोन करेंगी, बट ये रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे इनका फ़ोन आता है. तो एक बार बोले ब्रो ब्रो ये गाना इतना फास्ट क्यों बना दिया आपने? मैंने बोला आपने बोला था इश्क के टेम्पो पे चाहिए, मैंने वैसे ही बनाया था. स्लो बना के भेजो. बट इट्स बिन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. आई डिडंट एक्सपेक्ट यू टू बी सो हैंड्स ऑन. कुछ सीखने को मिला मेरा को कि यू नो यू आर सच सो डाउन टू अर्थ एंड यू टेक सो मच इंटरेस्ट इन योर वर्क. इट्स बिन अ ब्लेसिंग वर्किंग विद यू. थैंक यू सो मच.
तो सुखबीर भाजी मुझसे दुबई में मिले, अबू धाबी में एक्चुअली, अबू धाबी मिले, तो ऐसे क्या कर क्या रहे हो, ऐसे शो 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 शो, ऐसे कोई पीछे गाने ऐसे नहीं कुछ नहीं, ऐसे वो मुझे एक गाना दे दो एक फिल्म के लिए, ऐसे किस टाइप का गाना चाहिए। ऐसे एक एक बहुत ही मशहूर सिंगर है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक दो गाने पर निकाली है, वेरी टैलेंटेड मैन, सर कौन है? ऐसा भाजी आप। तो In the next day, we started laughing. The next day, he gave me Billy Billy, and now the next song that's going to come out, Balle Balle, is the one. And both the songs are fantastic, fantastic. Hats off. And thank God that I met you there in Abu Dhabi. Thank God. Otherwise, ये गाने इस फिल्म में नहीं होते. तो मैंने तो Billy Billy भेजा था. उसके बाद एक as a sample दूसरा गाना मैंने भेजा था. तो उन्होंने बोला मेरे साथ जस्सी पाजी बैठे हैं, उन्होंने एक तीसरा गाना दिया, तो मैं गाना तो एक देने वाला था, तीन गाने मेरे ले लिए इन्होंने और दो का मिक्स करके एक बनाया। और एक बात आपको शायद पता नहीं होगा, ये लिरिक्स बहुत अच्छे लिखते हैं, एक गाने के दो वर्सेस इन्होंने लिखे हैं, तो हमने वो वर्ड्स ऐसे रखे हैं जैसे इन्होंने मेरे को बोला था, तो वो आपको सुनने में आएंगे इन अ फ्यू डेज, सो प्लीज लुक फॉरवर्ड टू दैट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच सलमान। थैंक यू पाजी, थैंक यू। Payal, you've managed to get the pulse also. यहाँ पे कितनी बार आपने गाना सुना, when you come over here, you keep listening your track. तो उसके बाद जो anthem जब बन जाता है, by the way, you can hear the tracks on Fever and My FM, they've been playing every single day. गाड़ी में जब बैठते हो, जब वो गाने सुनते हो, और फिर पता चलता है कि of course you know it's Salman sir song, but जब गाना दे रहे होते हो तो टेंशन होती है कि लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी मेरी जर्नी एज अ कंपोज़र शुरू कहाँ से हुई। मैंने पहला सिंगल किया था अपना सजना वे करके, एंड उसको भाई ने शेयर किया था, तब से मैंने सोच लिया यार ये ऊपर वाले का साइन है, अगर भाई ने शेयर कर दिया तो मैं आ जाती हूँ। एंड भाई के लिए काम करना इज़ लाइक माई ड्रीम कम ट्रू। मैं तो ड्रीम भी नहीं, मैं तो ड्रीम में सोच भी नहीं सकती थी। सो भाई के लिए बनाना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, मैं तो डर डर के गाना बनाया मैंने। मैंने बोला पता नहीं भाई से बहुत सुनने को मिलेगा अगर अच्छा नहीं हुआ तो, एंड मैं इतना डर के, एंड हमने ऑलमोस्ट एक रात में ही ये यंटम्मा क्रैक किया। एंड जब मुझे आया कि भाई रियली लाइक्ड इट, मैंने बोला नहीं यार मजाक मत करो मेरे साथ मजाक मत करो, तो उन्होंने बोला नहीं सच में। तो जिस दिन शूट भी हो रहा था मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा काम किया है, मतलब इससे बेटर आई डोंट थिंक मेरे लाइफ में इससे बड़ा कुछ हो सकता है कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं भाई के लिए कंपोज कर पाई। लाइक मैं आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट। थैंक यू सो मच भाई। तो हमने गाना, हम एक गाना ऑलरेडी फाइनलाइज कर चुके थे कि ये हम एक हफ्ते में ये गाना शूट करना शुरू कर देंगे, और फिर एक गाना और आया, और जैसे मैंने यंटम्मा सुना मैंने बोला गाना बंद कर दो, ये गाना है। इसे गाना सुन तो लाए से नहीं हो गया गाना या नाउ डोंट गेट इनटू ऑल दीस थिंग, ये स्क्रैच है, नाउ विल डू इट। I mean, it's become like the anthem also. Even today we kept playing it. A lady who's been attached with you for so many years, you know, one of the at one time one of the most prolific singers हमारी पूरी इंडस्ट्री में, इतने सारे गाने थे पलक के। मैं जब रेडियो में होता था हर हफ्ते पलक वॉज कमिंग टू रिलीज अ सॉन्ग, बट यू नो यू बीन अटैच विद सलमान सर फॉर सो मेनी ईयर्स, एंड आज इस वाले फिल्म में भी एक और गाना है। येस, इनका तो चार साल का गैप हो गया, लेकिन यू बीन ऑल्सो वेरी वेरी बिजी पलक, जस्ट टू बी विद सलमान सर, जस्ट लेट्स हियर अबाउट दैट। इट्स ऑलवेज स्पेशल टू बी अ पार्ट ऑफ सलमान सर्स फिल्म। ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। सिर्फ मेरे सिंगिंग करियर में ही नहीं, बल्कि मेरे हार्ट पेशेंट्स के मिशन में भी सर ने कई सारी सर्जरीज करवाई है। सो येस, इट्स ऑलवेज ऑलवेज स्पेशल। जब भी सर के साथ मेरा गाना आता है उसे बहुत सारा प्यार मिलता है, एंड नहीं यूँ लगता अभी सबको बहुत पसंद आ रहा है, सो बहुत खुशी है। सब ने दैट नहीं लगता, एवरी वन वॉज अगेंस्ट मी, ही इज लॉस्ट द प्लॉट, 80s 90s का गाना है, हाउ इज इट गोइंग टू डू वेल, ही बिकम एरोगेंट। ऐसे नहीं भाई, मेरे को पसंद आता है, मेरी पिक्चर है, मैं इसमें डाल रहा हूँ गाना, और अगर ये नहीं चलेगा हाँ तो इसमें ये नहीं होगा कि अगली पिक्चर में आप बोलोगे कि आप आके इंटरफियर करो, उसमें भी ये मौका नहीं मिलेगा। तो चिल करो, जब तक डायरेक्टर को पसंद है, हीरोइन को पसंद है, हीरो को पसंद है, तो हमने वो गाना डाल दिया, एंड देन शी हैड ऑलरेडी संग द सॉन्ग। ये गाना मेरे पास 10 साल से पड़ा था ये, तो हाँ, देन शी डज अ लॉट ऑफ गुड वर्क, ये चैरिटी वगैरह भी बहुत अच्छा कमाल का करती हैं। सो अब तो सडली बिजी भी हो गई हैं शादी वादी करके, तो एक्चुअली हमने इनको फिल्म में एक रोल ऑफर किया था,
इस फिल्म में हाँ शी टर्न्ड इट डाउन या उनके बड़े पापा ने बोला क्या नहीं करना मम्मी यहाँ बैठी है मम्मी को पता है किधर बैठी मम्मी तो इन्होंने नहीं किया फिर आई थिंक बाद में मम्मी और डैडी ने बड़े पापा को कन्विंस किया बट जब तक कि वो रोल चला गया था सर कोई ना नेक्स्ट टाइम एंड वी गोना एंड दिस विद मी एंड देन ओवर टू यू ऑल विद तेज अप्रू सर थैंक यू सो मच सर आई नो थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट कास्ट आई हैव हैड ऑन स्टेज बट जस्ट योर एसोसिएशन विद सलमान सर एंड जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ दिस तेजू अंकल वी कॉल ईच अदर अंकल सी सलमान के साथ मैंने बहुत फिल्में की हैं लेकिन सब में नेगेटिव रोल किया है इसमें मुझे बुला के इसने एक पॉजिटिव रोल दिया जो थोड़ा लाइट भी है और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा थैंक यू वेरी मच सल्लू अंकल इतने सारे हो गए बिग राउंड ऑफ दैट प्रीटी मच कंक्लूड्स द क्वेश्चन आंसर सेशन जितने सारे क्वेश्चंस थे आई प्रीटी मच आस्क दिस वी आर गोना डू अ लिटिल बिट ऑफ अ फोटो ऑप एज़ वेल आई जस्ट टेक एवरीवनस माइक्स एंड पूजा यू वांट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल बिट सो आई विल जस्ट डू दैट फैमिली फोटोग्राफ राइट नाउ या कैन आई जस्ट टेक ऑल द माइक्स कैन वी जस्ट हैव ऑन स्टेज वन विद एवरीबॉडी एंड देन वी विल हैव जस्ट विद द स्टार कास्ट वन विल डू विद एवरीबॉडी ऑन स्टेज एक सेकेंड अच्छा So the pehli picture hogi sabke saath second picture will be the star cast and then I'll keep reducing as we go along Baba no music ha cut Okay, we'll just move to the next bit. Just the star cast on stage. Thank you so much. All the singers. Thank you, Shahrukh sir. Thank you so much. Yeah, the star cast on stage, yes. Full star cast on stage. Ready, sir. Just all together. Yes, just a minute. just one second. Wo joote pehen rahe ho. Just one sec. Shahnaz, niche aajao. Yes. Acha now all the boys with sir thank you ladies thank you very much. Will you call the ladies back again huh will you call them okay just the boys with sir thank you just the boys with sir all the boys pooja just take a seat we're going to go to audi 3 after this ek second sir combination mang rahi hai so You want Pooja and Salman sir separate also? No, one sec. Okay, fine. Actually, just stay there only. Hota rahega.